हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, एएलपी और टेक्नीशियन को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं दे देता हूं अपने चैनल पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाता हूं। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली उन सवालों के लिए जो मैं नहीं दे पाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, तो अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछा है और आपके मन में कोई डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका वो डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। और जो भी आपको डाउट्स हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कम्युनिटी बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। और अगर मैं नहीं दे पाता हूं स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके उनके बारे में पता होता है, तो वो आपको जवाब जरूर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल ये बिकी गुप्ता का सवाल था, कैन आई चेंज आरआरबी फ्रॉम इलाहाबाद टू गुवाहाटी। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले ये ऑप्शन आरआरबी ने अवेलेबल नहीं कराया था कि अगर आपने एक बार आरआरबी सेलेक्ट कर ली है, यानी अभी जो फॉर्म आया था वो आपने भर दिया है, तो आप दोबारा चेंज कर पाएं। लेकिन अभी हाल ही में जो नोटिस जारी हुआ है उसके अंदर ये दिया गया है कि आप अपना आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन जो आपका होना है 1 तारीख से 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को 11 बजे आपकी साइट ओपन हो जाएगी और 6 अक्टूबर को 12 बजे साइट रात के बंद हो जाएगी। तो इसके बीच में आप अपडेशन कर सकते हैं, आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, ट्रेड भी चेंज कर सकते हैं और नई क्वालिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सवाल का जवाब पूरी तरीके से आपको मिल चुका होगा। अगला है देखिए स्टूडेंट्स, एक गौरव ने पूछा था, आई एम ए पीसीएम 12th स्टूडेंट, कैन आई अप्लाई फॉर अदर रेलिवेंट ट्रेड दैट आई एलिजिबल अलॉन्ग विद द अदर ट्रेड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, 12th पास स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एसएनटी के अंदर जो टेक्नीशियन पोस्ट है वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं टेक्नीशियन की, जितनी भी पोस्टें हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर या तो उन्होंने 10th प्लस आईटीआई मांगा है या 12th प्लस मेट्रिक सर्टिफिकेट मांगा है कोर्स का। अब ये कोर्स सर्टिफिकेट एक तरीके से आईटीआई डिप्लोमा ही हो गया, जो डिप्लोमा इनको चाहिए इस ट्रेड के लिए। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चों के पास ज्यादातर बच्चे पीसीएम वाले हैं और पीसीएम का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा इस बार हाई रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें पीसीएम के बच्चे एलिजिबल हैं और सिर्फ यही पोस्ट भर सकते हैं, जिसकी वजह से सब उसी के लिए ही फाइट करेंगे। तो आप सिर्फ टेक्नीशियन में ही अप्लाई कर सकते हैं और बाकी के पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कैन आई अप्लाई फॉर अदर रेलिवेंट ट्रेड्स, तो ऑप्शन वहां पर आरआरबी ने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें भी आप सुटेबल हो आप वहां पर ले सकते हैं। आरआरबी ने आपको जो फिजिक्स और मैथ्स का ऑप्शन दिया है, पहले तो ये ऑप्शन थे ही नहीं, तब तो आपको उन्हीं में से चुनना था, अब ये ऑप्शन इसलिए दे दिया है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। अब जो पीसीएम का स्टूडेंट है उसने इलेक्ट्रीशियन और बाकी इलेक्ट्रिक मैकेनिक और वायरमैन इनके बारे में उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, तो उनको सहूलियत देने के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स का कोर्स दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स मैं आपको सलाह दूंगा कि फिजिक्स और मैथ्स अगर आप ले सकें, कोर्स एक बार सबका ग्रो थ्रू कर लीजिए। मैं शाम को एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं सारे जितनी भी ट्रेड्स हैं उनका सिलेबस डालूंगा, तो अभी शाम तक रुक जाइए। वैसे भी आपको तो अप्लाई कल 1 तारीख से करना है, तो मैं एक ऐसी वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं सारे ट्रेड के कोर्स डिस्कस करूंगा, बिल्कुल मैं बोलता हूं कि बहुत ही शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट में जो उसका कोर्स होगा मैं उसको डिस्कस करूंगा। आप उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी ट्रेड लेनी है। और मैं तो आपको कहूंगा अगर आपने 12th कर रखी है सिर्फ, तो आप फिजिक्स और मैथ्स के साथ जाइए, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी हैं। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ये सब ऐसे कोर्स हैं जो बिल्कुल ही नए होंगे आपके लिए, उसमें मॉसफेट बीजेटी आपको बहुत चीजें ऐसी पढ़नी पड़ेंगी जो नई होंगी। और 2 साल का कोर्स होता है जिसे आईटीआई वाले पर्सन जो पीपल बच्चे होते हैं वो 2 साल में करते हैं, आपको वो 2 महीने में करना है। तो स्टूडेंट्स इतना आसान नहीं होगा, इसके साथ साथ CBT 1 में भी आपको नंबर लाने हैं, क्योंकि CBT 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपकी बनेगी रैंक। तो बहुत ज्यादा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी, तो ये चीजें आपको यहां पर सोच के चलनी पड़ेंगी, इसीलिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन है, डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ CBT 1। CBT 1 का रिजल्ट के लिए सभी बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से वेटिंग कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो 2 से 3 महीने चलने वाला एग्जाम है ग्रुप डी, उसके बाद ही आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा, ये तो श्योर एंड शॉर्ट है। तो दिसंबर से पहले तो आपका ये एग्जाम कंडक्ट होना नहीं है, तो आपके पास अभी काफी समय है तैयारी करने का। रिजल्ट की मैं बात करता हूं तो देखिए अक्टूबर के एंड में या नवंबर की स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, आप क्वालिफाई हैं नहीं क्वालिफाई हैं ये आपको बता दिया जाएगा। कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो कट ऑफ के अभी तक कोई भी आसार नहीं बताए हैं कि कट ऑफ देंगे आरआरबी वाले या नहीं देंगे, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स
2015 में जब हुआ था उसका सीबीटी 1 भी क्वालिफाई था, क्वालिफाई पहले नहीं था स्टूडेंट्स, जब चीटिंग के केसेस आए थे तो उसे क्वालिफाई बना दिया गया था, तो सीबीटी 1 क्वालिफाई बना दिया गया था और वहां पर कट ऑफ दी गई थी, तो हो सकता है इसमें भी कट ऑफ दी जाए, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है कि वो कट ऑफ देंगे या नहीं देंगे या सीधे बोल देंगे कि आप क्वालिफाइड की लिस्ट जारी कर देंगे कि आप क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड हैं, तो अक्टूबर के एंड और नवंबर की स्टार्टिंग में ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि मैं 10 प्लस पीसीएम जर्नल 45 मार्क्स हैं इनके और अजमेर से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जर्नल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और आप अपनी सीट्स के ऊपर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 40 के ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब है आप बहुत ही सिक्योर पोजिशन पे हैं, और लेकिन ऐसी जगह पे अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि पीसीएम के अंदर कॉम्पिटिशन ज्यादा है, ऐसी जगह पे अप्लाई मत कीजिएगा जहां वैकेंसी 150 से कम हो, क्योंकि यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हाई रैंकर हैं वो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे लेकिन जो लो रैंकर्स हैं उनके लिए यहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी वैकेंसीज लीजिएगा जहां 300 से 400 के रेंज के अंदर आपके सीटें हों, और याद रखिएगा चंडीगढ़ के अंदर सीटें हैं लेकिन चंडीगढ़ में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि कुछ रीजन ऐसे है जहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है वहां सीटें भी ज्यादा है, ये बात नहीं है। इलाहाबाद के अंदर भी सीटें ज्यादा है, 800 के करीब सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसका 15 गुना करेंगे तो तकरीबन 12-13 हज़ार बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा है। अजमेर के अंदर सीटों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, 45 अच्छे मार्क्स हैं, आप हो सकते हैं अजमेर से क्वालिफाई, लेकिन आखिरी चीज है तो स्टूडेंट्स अजमेर के अंदर बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है इस पे डिपेंड करती हैं। अब यहां पर पूछा हुआ है अगला, फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सेशन 2 अप्रैल 2018 एंड आई एम अप्लाई टू पीसीएम एड टू डिप्लोमा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं, इनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये शायद ये कहना चाहते हैं कि डिप्लोमा इन्होंने खत्म किया है अप्रैल 2018 में। तो आप यहां पर देखिए जो अभी डेट दी गई है वो दी गई है 31/3/2018, जिससे पहले की अगर आपकी कोई डिग्री डिप्लोमा है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, इससे पहले की अगर डिग्री डिप्लोमा है तभी ऐड होगी या इस तारीख की, इसके बाद की नहीं होगी। अब आपने अप्रैल में किया है तो आप यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद देखिए अगला है, सर मैं पीसीएम और बीटेक हूं, अगर मैं टेक्नीशियन को फिल प्रेफरेंस देता हूं और एएलपी को बाद में, अगर मेरा टेक्नीशियन की कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकता बट एएलपी की कर लेता हूं, क्या मुझे एएलपी मिल जाएगा बाद में। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें दो केसेस बनते हैं कैसे, अब आप अगर टेक्नीशियन की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, मान लीजिए टेक्नीशियन की कट ऑफ गई है 35 ओके, और एएलपी की कट ऑफ गई है 32 और आपके मार्क्स आ रहे हैं 36 ओके, अब आपने क्लियर कर लिया यहां पर एग्जाम टेक्नीशियन की कट ऑफ से, ठीक है, टेक्नीशियन की कट ऑफ से क्लियर करने के बाद भी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, मैं पहले बता दूं टेक्नीशियन का जो पूरा सिलेक्शन है वो आपका सीबीटी 2 के पार्ट 1 पर बेस्ड है, पार्ट 1 में जितने नंबर लाएंगे उसी के बेस पे आपका टेक्नीशियन का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक डाउट है स्टूडेंट, देखिए मैं बताता हूं क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ये 1.5 स्टूडेंट्स लेते हैं, समझ रहे, 1.5 टाइम्स, यानी कि 100 पोस्टों के लिए ये 150 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, इसमें से सिर्फ 100 को ही नौकरी मिलती है, तो आप यहां पर बाहर हो सकते हैं क्योंकि यहां पर अगर आप मेरिट में कम होंगे यानी कि कट ऑफ आप बिल्कुल जस्ट पार कर रहे होंगे, क्योंकि एनटीपीसी और बाकी एग्जाम्स में ये देखा जाता है कि आप अगर जस्ट पार कर रहे होंगे कट ऑफ तो आपका सिलेक्शन वहां पर नहीं हो पाएगा, अगर आप कट ऑफ से काफी ऊपर हैं तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि मैं टेक्नीशियन की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहा हूं तो एएलपी के लिए क्या मुझे बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी, तो दी जाएगी स्टूडेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है आपको, अगर आप कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर रहे हैं टेक्नीशियन की, मान लीजिए टेक्नीशियन की कट ऑफ गई है 35 और आपके आए हैं 34 और एएलपी गई है 32, तो आप यहां पर टेक्नीशियन की नहीं कर पा रहे हैं लेकिन 32 आप एएलपी के कर रहे हैं तो आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन की कर रहे हैं और आप बाद में बाहर होते हैं, मतलब आप टेक्नीशियन की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, आपके 36 नंबर आए लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके नंबर मेरिट में नहीं आ रहे हैं, तो आपको एएलपी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जब कट ऑफ निर्धारित की जाएगी एएलपी और टेक्नीशियन की, उसके बाद ही आपको निर्धारित कर लिया जाएगा कि आपको एएलपी में जाना है टेक्नीशियन में जाना है, ठीक है। अगर आपने टेक्नीशियन की कट ऑफ पार करी और आपने टेक्नीशियन को पहली प्रेफरेंस दे रखी है तो आपको टेक्नीशियन में भेज दिया जाएगा, उसके बाद कहीं जा उसी समय एएलपी के लिए भी बच्चे चुन लिए जाएंगे और उनका साइको करवा लिया जाएगा, साइको का बाद में चांस नहीं दिया जाता है स्टूडेंट्स। अगर आपने एक बार टेक्नीशियन के फील्ड में चले गए, टेक्नीशियन की मेरिट में आ गए और बाद में बाहर हुए मेरिट के अंदर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो फिर आप एएलपी में नहीं जा सकते।
इसके बाद देखिए, सर मैं पीसीएम प्लस बीटेक कंप्यूटर साइंस से हूँ, कोई चेंज करना है क्या? अब देखिए, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं तो सिर्फ आप पीसीएम यानी कि ट्वेल्थ की जो पोस्टें हैं एसएनटी की, यानी टेक्नीशियन है जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, उसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीटेक वाले कौन से पर्सन जिन्होंने बीटेक कर रखा है स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनकी किसी डॉटर ब्रांच में। अब इनकी डॉटर ब्रांच क्या है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की डॉटर ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, ये भी एक ब्रांच है। तो ये सारी जो ब्रांचे हैं या इनकी जो डॉटर ब्रांच है मैकेनिकल की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है डॉटर ब्रांच, तो ये सारी डॉटर ब्रांच वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यही ब्रांच होनी चाहिए, वो इन्हीं से रिलेटेड ब्रांच होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए यहां पर कोई पोस्ट नहीं है। एलिजिबिलिटी आपकी ट्वेल्थ के पीसीएम से नापी जाएगी, तो आप टेक्नीशियन पोस्टों के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। अगला है स्टूडेंट, देखिए यहां पूछ रहे हैं, सर मेरे फादर ने भी मिस्टेक हो गया है, वेरिफिकेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन के टाइम पे एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये गलती होती है, आप नहीं है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फादर की नेम में मिस्टेक हो, मदर नेम मिस्टेक हो, एड्रेस में कोई मिस्टेक हो, सब चीज का इलाज एफिडेविट है। आखिरी में एफिडेविट लग जाएगा, सब चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एफिडेविट इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये चीज की शपथ खाएं कि आपने जो आप बताया है वो सही है, पहले गलती से आपने कुछ मेंशन कर दिया था उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन को हाईएस्ट कितने तक की सैलरी मिल सकती है? आप देखिए स्टूडेंट्स, हाईएस्ट सैलरी तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये रेलवे में सैलरी बहुत ज्यादा वेरी करती है, क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस काउंट होता है, उसके अंदर आपके डेली अगर आप रनिंग में है तो आपका रनिंग अलाउंस काउंट होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की, तो अगर मैं एवरेज सैलरी बता सकता हूं स्टूडेंट्स कि एवरेज सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 27,000 के बीच में होगी, ये आपकी एवरेज सैलरी होगी। क्या वो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट में प्रमोट हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने पड़ेंगे प्रमोशन, क्योंकि बहुत स्लो स्लो होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप ग्रेड, पहले आपको ग्रेड 2 में जाना पड़ेगा, फिर ग्रेड 1 में जाएंगे, फिर आप बनेंगे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे, फिर आ जाएंगे एसएससी की पोस्ट पे, तो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे, फिर एसएससी। तो यहां पर देखिए, आपका जो प्रोसेस है प्रमोशन का वो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए पोस्टें निकलती हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी उसमें हो सकता है। जैसे ग्रुप डी के अभी जब एग्जाम हुए थे एनटीपीसी के, ग्रुप डी के बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था एनटीपीसी में, और एनटीपीसी के अंदर कुछ कोटा होता है, कुछ सीटें होती हैं जो डिपार्टमेंट के लिए होती हैं, और उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पर टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गए तो आप एनटीपीसी की पोस्टों में नहीं जा सकते, आप गुड्स गार्ड बन सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की तो पोस्ट हटा दी गई है, आप क्लर्क बन सकते हैं, सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, जो रिजर्वेशन क्लर्क होते हैं आप वो बन सकते हैं, तो आप सब के, आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, संडे को छुट्टी मिलती है या नहीं? तो देखिए स्टूडेंट्स, रेलवे के अंदर जो छुट्टियां होती हैं वो घंटों के ऊपर बेस्ड होती हैं, यानी डेज का उसमें कोई लेना देना नहीं है। संडे कोई जरूरी नहीं है कि आपको संडे को ही छुट्टी मिले, आपके जब वर्किंग आवर्स होंगे उसके हिसाब से आपको छुट्टी दी जाएगी। एएलपी के लिए अगर आप अपने हेडक्वार्टर पे आते हैं तो आपको मिलता है 16 घंटे का रेस्ट, और जब आप एक हफ्ते में 54 घंटे काम कर लेते हैं तब आपको मिलता है 30 घंटे का रेस्ट। तो कुल मिला के 30 घंटे का रेस्ट मिलता है आपको जब आप 54 घंटे काम कर लेते हैं। और अगर आप जैसे कि आप यहाँ से मान लीजिए लखनऊ से आपने स्टार्ट किया, आप एलपी हैं, और आप यहाँ से चले गए कहाँ, यहाँ से गए सुल्तानपुर, यहाँ सुल्तानपुर से आप चले गए मुगलसराय, वहां से गाड़ी उठाई आप दोबारा आ गए लखनऊ, तो आपके अगर ये इस पूरे दौरान मतलब पूरे एक हफ्ते के अंदर आपने 54 घंटे पूरे कर लिए तो आपको 30 घंटे का अलग से रेस्ट दिया जाएगा। एक तरीके से वही वर्किंग जैसे आपकी उसमें होती है, यहाँ वर्किंग आवर 8 से 10 घंटे के होते हैं एएलपी के, और मैं बात करता हूं अगर टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन की वर्किंग आवर 8 घंटे के होते हैं, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों में वर्किंग आवर्स ज्यादा भी देने पड़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन हैगा, ब्रो देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रुप सी एसएनटी एंड ग्रुप डी? अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप सी और ग्रुप डी इनके अंदर बहुत डिफरेंस है। ग्रुप डी की नौकरी काफी ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर जो पोस्टें आई हैं स्टूडेंट्स वो है ट्रैक मेंटेनर की। ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको पटरियों की देखभाल करनी होती है, काफी पैदल चलना पड़ता है, काफी मेहनत का काम है ट्रैक मेंटेनर, और सुरक्षा का भी मतलब आपको सजग रहना पड़ता है कहीं पटरियों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ट्रैक मेंटेनर और बाकी पोस्टों से मैं कंपेयर करूंगा तो ग्रुप सी जो है वो बेटर है ग्रुप डी से, काफी इतनी ज्यादा दिक्कत वाली नौकरी नहीं है ग्रुप सी जितनी ग्रुप डी है, तो ग्रुप डी से बहुत ज्यादा बेटर है ग्रुप सी। सैलरी भी अच्छी है और आपको अलाउंसेस भी काफी मिलते हैं, तो ग्रुप सी इज बेटर।
तो डिफरेंस की बात करूं तो बहुत अच्छी है ग्रुप सी, ग्रुप डी से स्टूडेंट्स, इसमें आप कंपेयर ही मत कीजिए। इसके बाद देखिए 10+2 कैंडिडेट्स को एसएनटी जॉब्स इन सेम ग्रुप्स डी में आल्सो एसएनटी जॉब्स, इज देयर एनी सो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब। हाँ स्टूडेंट्स, ये एसएनटी जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप हेल्पर की तरह काम करेंगे। आप मैं समझ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप डी की भी जॉब है, तो इनमें क्या फर्क है। तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, ग्रुप सी की जो जॉब होती है वो आपकी टेक्नीशियन के तौर पे आप काम करेंगे, और जो ग्रुप डी की जॉब होगी उसमें आप हेल्पर के तौर पे काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एक जो टेक्नीशियन होता है वो काम करता है और उसकी एक बंदा हेल्प करता है, तो वो ग्रुप डी वाला होता है जो उसकी हेल्प करता है वहां पर। तो बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। इसके बाद देखिए सर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिंगल मेंटेनर एलडीसी से लोअर सर्विस है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, लोअर सर्विस नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे आराम की तो एलडीसी की जॉब में आराम ज्यादा है, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जॉब के अंदर प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा हैं और आपकी सैलरी भी ज्यादा बनेगी एलडीसी के तौर पे। साथ साथ रेलवे के अंदर है तो रेलवे के जो पर्क्स हैं वो आपको मिलेंगे, ट्रेवल पास मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, इसके साथ साथ रेलवे के जो अदर बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बोनस सबसे ज्यादा मिलता है रेलवे के अंदर दिवाली पर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेलवे प्रोवाइड करता है, इसीलिए रेलवे पैसों के मामले में काफी आगे है अदर डिपार्टमेंट से। प्रमोशन कितने साल में होता है? तो स्टूडेंट देखिए, प्रमोशन का डेफिनेट टाइम नहीं है, जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है 10 साल के अंदर आपको एक ग्रेड पे का प्रमोशन देना ही देना है। यानी आप अगर 1900 ग्रेड पे में अभी लगते हैं तो 10 साल के अंदर आपका 2400 ग्रेड पे होना ही होना है, ये तो टाइमली प्रमोशन है। अब मैं बात करता हूं जो नॉर्मल प्रमोशन होता है, जैसे आपके आप डिवीजन में गए, मान लिया जाए इलाहाबाद बोर्ड में गए आप, इलाहाबाद बोर्ड से आपको मिल गया लखनऊ डिवीजन। देखिए डिवीजन अलग होता है और बोर्ड अलग होते हैं। इलाहाबाद बोर्ड के अंदर आते हैं लखनऊ और मुरादाबाद डिवीजन, ये दो डिवीजन आते हैं। तो आपको लखनऊ डिवीजन अगर मिल गया तो यहां से आपको ये बात याद रखनी है कि लखनऊ डिवीजन के अंदर कितनी पोस्टें खाली हुई, कितने रिटायरमेंट हुए। अगर आपके ऊपर के पर्सन रिटायर होंगे तब आपका प्रमोशन जल्दी हो जाता है। तो ये चीजें कुछ आपकी डिवीजन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपके डिवीजन के अंदर कितने बच्चे कितने लोग शॉर्टलिस्ट मतलब आगे रिटायर हो चुके हैं या किसी की डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से स्लॉट खाली होता है और स्लॉट के अंदर प्रमोशंस होते हैं। और अगर आपने कोई एक्सेप्शन काम कर दिया, कोई दुर्घटना होने से बचा ली, या कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला काम कर दिया कि जिससे रेल को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, तो आपको प्रमोशन दिया जा सकता है बीच में भी। और यहाँ पर एवरेज मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, तो 3 से 4 साल के अंदर नॉर्मली प्रमोशन होते हैं ग्रुप सी के। सो स्टूडेंट्स, आशा है कि मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स नीचे है, आपको जाके वहां पर जाके जल्दी से कमेंट कर देना है, मैं जल्दी से आंसर कर दूंगा। और यहां पर देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।